सांपला के छोटू राम संग्रहालय में केंद्रीय इस्पात मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। रैली सांपला को सफल बनाने की थी बधाई। कहा, छोटू राम की प्रतिमा को बनाने में 2.5 करोड़ रुपए और 5,000 किलो लोहा लगा है जो हरियाणा के गांव से इकट्ठा किया गया है। जिन साथियों ने यह दान दिया है उन सभी का नाम छोटू राम संग्रहालय में प्रतिमा के पास लिखा जाएगा। छोटू राम की मैं ये बात कहे बगैर नहीं रह सकता कि हरियाणा में नहीं सारे देश में उनकी याद ताजा हो गई है, नौजवान पीढ़ी के लिए भी और जो उनके साथ। आपसे तो इतनी प्रार्थना है मेरी, ये जेपी दलाल भी बच्चे हमारे साथ ही, राज सिंह हुड्डा भी बच्चे हैं, जान सिंह जी, ये सुनीता में भी आ गई, सुनीता मुगल जी और राजू अलावत, ये सारे राम किशन जी सब हमारे साथी हैं, ये पंडित धर्मपाल भी हैं। मैं एक बात मेरी मान लो, आज हम 4,000 सदस्य बने हैं, आप अगले 3 महीने में ये जो प्रोग्राम हुआ है इसमें लोगों में अब नया उत्साह है। आप अपने 4,000 की संख्या को 20,000 में जिस दिन कर दोगे आपकी संस्था बहुत बड़ी संस्था के रूप में, और कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, 200 आदमी एक, जिस तरह 90 हल्के हैं एमएलए के, अगर 200 आदमी एक हल्के में बने तो 18,000-20,000 अपने आप ये कर सकते हैं कोई। और मैं इसलिए कह रहा हूं ये जो कार्यक्रम था, जब प्रधानमंत्री जी के यहां से खबर आई कि 9 तारीख को करना चाहते हैं, तो उससे 2-3 दिन पहले बारिश, काफी बारिश हुई थी और मैंने 5-6 जगह चक्कर काटे इसके सांपले के चुगरदे कि कोई ऐसी जगह मिल जाए 30-35-40 एकड़ जहां हम ये प्रोग्राम कर लें, लेकिन पानी खड़ा था हर जगह। मैंने फिर जो अफसर लोग थे उनसे भी कहा कि भाई ये पानी कटवा दो, निवला जी कटवा तो देंगे लेकिन तरला रही ऊपरला मिल रहा है फिर हो जाएगा, इसलिए बात जमती नहीं। तो हमारे को तो ये जगह थोड़ी मिली, जैसे मैंने कहा 3,71,000 आदमी मेरे पास। मैं बात ये इसलिए कह रहा हूं कि राजनीतिक रैली हो तो आदमी लेवल छांट छांट के और गांव में छांट छठे ओढ़ेगा, हम तो इसके साथ हैं, हम तो इसके साथ। ये आप सब की थी और आपका मन था ये, और कुछ न्यू भी था कि भाई प्रधानमंत्री आएंगे क्या बोलेंगे छोटू राम के बारे में। अब आप अंदाजा लगा सकते हो, जिस तरह ये भाई बता रहे थे कि 31 तारीख को सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति जो दुनिया में सबसे ऊंची है उसका करेंगे मूर्ति का अनावरण, तो उस मूर्ति का इसका अनावरण करने का प्रधानमंत्री ने दिखा दिया कि ये दो ऐसे नेता हुए हैं आजादी से पहले जिन्होंने किसान की लड़ाई, गरीब की लड़ाई, कमेरे वर्ग की लड़ाई लड़के देखी है। और मूर्ति कितनी बड़ी है कितनी छोटी है नहीं, उसी बड़ी का उसी छोटी का एक ही आदमी मूर्ति का अनावरण करता है, तो छोटी की भी मूर्ति बड़ी है। बाकी मैं तो ये मानता हूं कि मूर्ति बड़ी या छोटी बनने की बात नहीं होती, बात ही होती कि उस उन की जो सीख थी जो उन्होंने हमारे को सिखाया वो हम कैसे अपने बच्चों तक पहुंचा सकते और हमारे बच्चे कैसे आगे आने वाली जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। ये पहला विश्व युद्ध हुआ था, उसके जितने भी लोगों ने शहीदी दी थी उनके सब के नाम, तो वो ढूंढ रहा था कि मेरे दादा का नाम कहां। इसलिए हम चाहते हैं कि जिन लोगों के हम नाम छोटू राम जी के पुत्र के साथ साथ लगवाए, कभी उनके भी पोते आके देखें कि मेरे दादा मेरे बाप ने कहा। और योगानंद जी ने बिल्कुल ठीक बात कही,
कि एक समय होता है जब आदमी किसी नेता को ऐसे रूप में आहिस्ता आहिस्ता देखना शुरू कर देता है कि ये तो राजनेता नहीं था, ये तो समाज सुधारक था। समाज सुधारक के बाद फिर ये बात आती है जब 100 साल 125 साल हो जाए, 150 साल हो जाए, कि तो समाज सुधारक नहीं बल्कि तो देवता स्वरूप था। और फिर 300-400 साल के बाद उसी देवता स्वरूप को देवता का रूप दे देते हैं लोग। जैसे इन्होंने बताया, तो मेरा कहने से मतलब ये है कि ये मैं जवाब तो नहीं देना चाहता, लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा कि हमारे दिमाग में अगर यही बातें हैं कि हमारी सड़क बननी चाहिए, हमारा स्कूल अपग्रेड होना चाहिए, हमारा अस्पताल ठीक होना चाहिए। तो एक पत्रकार ने मेरे से पूछा था 9 तारीख की रैली से पहले, अजी प्रधानमंत्री आएंगे क्या सौगात दे के जाएंगे। मैंने कहा भाई इस देश का प्रधानमंत्री छोटू राम जी की मूर्ति का अनावरण करने आए और लाखों लोगों में 35 मिनट प्रधानमंत्री बोले, उसमें से 22 मिनट सिर्फ छोटू राम पे बोले, ये तो छोटी बात है। बहुत धन्यवाद, और आपने अपने साधन लेके आए हैं, बहुत से सरकारी अफसरों ने भी हमारी मदद की है। जान सिंह जी ठीक कह रहे थे कि भाई अब प्रोग्राम अपना था तो हमारे को इस बात की तो तकलीफ थी कि भाई कभी यह चीज की कमी रह जाए, कभी वो रह जाए, लेकिन मैं इतनी बात रोकूंगा सभी अफसरों ने भी हमारी मदद की और जिनकी ड्यूटी नहीं थी उन अफसरों ने भी मदद की, कर्मचारियों ने मदद की, सब ने हमारी मदद की। और सरकार का भी, सरकार हमारी मदद कैसे नहीं करे भाई, प्रधानमंत्री आते हो अगले ने तो नंबर कम थोड़े करवाने थे, उन्होंने भी पूरी मदद की है। और आगे भी मैं आपको यही कहूंगा कि हमें उनके जो आदर्श थे उनको अपने आने वाली पीढ़ियों तक लेके चलना है, ताकि हरियाणा हो चाहे उत्तरी भारत हो चाहे पंजाब हो, कोई भी इलाका हो जहाँ गरीब बसता है, मेहनत कश बसता है, किसान बसता है, उसको एक रोशनी मिलती रहे। और वही रोशनी इसी को आगे लेके जाती है, और यही काम उन्होंने अपनी जिंदगी में किया। तो आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।